किचन में फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक सिंपल सी टेस्टी सी और अक्सर मेरे घर में बनने वाली रेसिपी लेकर, जिसका नाम है खड़े मसूर की तड़के वाली दाल। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, अपने स्क्रीन पर दिख रहा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कोई शिकायत, कोई क्वेरी या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। एंड गाइस, चलिए बनाते हैं खड़े मसूर की तड़के वाली दाल। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमारे पास है सोप की हुई खड़े मसूर की दाल। हमने एक बड़ा बोल खड़े मसूर की दाल सोप करके ले ली है, एक घंटा इसे हमने सोप करने के लिए छोड़ा था। उसके बाद एक मीडियम साइज की प्याज ली है बारीक कटी हुई तड़के के लिए, एक मीडियम साइज का टमाटर है हमारे पास कटा हुआ, और ये दो कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से दो टेबल स्पून बारीक कटे हुए लहसुन, एक टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, एक लाल मिर्च, दो तेज पत्ता, एक टीस्पून जीरा, 8-10 दाने काली मिर्च के, थोड़ी सी दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची के दाने, ये जो है कि जावित्री, और 3-4 लौंग। इसके बाद हम लेंगे तड़के के लिए देशी घी 4 टीस्पून। उसके बाद हम लेंगे साल्ट 3 टीस्पून। उसके बाद हम हल्दी लेंगे टर्मरिक 1 टीस्पून, ठीक है, और बाद में थोड़ी सी हरी धनिया गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले हम दाल को नमक हल्दी डाल के कुक कर लेंगे, इसको बॉईल करना है हमें, ठीक है। हमारी दाल कुक हो गई है पूरी तरह से, ये देखिए दाल हमारी कुक हो गई है। इस दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप प्रेशर कुकर में कम से कम 6 से 7 सीटियां लगाएं। अब चलिए इसके तड़के की तैयारी करते हैं, ठीक है। हम फ्लेम ऑन करेंगे कढ़ाई रख के, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाएगी, उसके बाद हम उसमें डालेंगे देशी घी। चलिए, तो देखिए घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, जीरा देखिए हमारा हो रहा है, तेज पत्ता डाल दिया, बड़ी छोटी इलायची के दाने, बड़ी इलायची के दाने, जो भी गरम मसाले हमने रखे हैं तड़के के लिए सब डाल देंगे, और ये लाल मिर्च भी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। हाँ, अब देखिए ये जीरा और ये गरम मसाले हमारे थोड़े से हो गए, थोड़ी देर 2-4 सेकंड के लिए इनको हम भूनेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जो गार्लिक बारीक बारीक कटी हुई लहसुन रखी थी हमारे पास, उसको डाल लिया, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अदरक, हरी मिर्च दो कटी हुई रखी थी हमारे पास। अब इसके बाद देखिए ये हमारे पक गया है लहसुन और अदरक और बाकी गरम मसाले हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे अनियन जो कटा हुआ हमारे पास रखा था, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ अनियन। मसाला था वो देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेंगे, डाल के थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, और अब हम अपना फ्लेम बंद कर लेंगे और इसमें डाल लेंगे जो हमारी कुक्ड बॉइल्ड दाल थी, सारी की सारी एक साथ हम इसमें पोर कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। बंद कर दीजिए। रेडी हो गई है, तो आइए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग, ठीक है। हम एक बोल में इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने दाल बोल में निकाल ली है, अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऊपर से डाल देंगे, और ये खूबसूरत लगने के लिए मिंट लीव्स। ओके फ्रेंड्स, तो तैयार है आपकी खड़े मसूर की दाल, इट्स परफेक्ट। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। बनाइए,
और मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।